हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का 11 से अग्रवाल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो इतना बराबर हमको 2 प्रूव करना है। तो आइए करते हैं, LHS लेके करते हैं। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अब लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हो जाएगा। इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी और फिर होता है ए माइनस बी और ये 1 का 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अभी कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया 2। हिंस एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।